हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट टू में। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे बंद होने लगे थे और पृथ्वी का एक दिन लगभग 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए खनिजों का उपयोग करते थे और विष्ठा के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। अब पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्रेक बंद हो चुके थे और इन सूक्ष्म जीवों की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से वायुमंडल बनने लगा और आने वाले लाखों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया पृथ्वी पर ज़्यादा ऑक्सीजन होने के कारण वे सूक्ष्म जीव मरने लगे। जैसे वक्त बीतता गया, पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह लाखों सालों तक उबलता रहा, जिसकी वजह से पृथ्वी की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी पर एसिड रेन की शुरुआत हुई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और वो इतना घटा कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई और पृथ्वी पर आइस एज आया। वक्त बीतता गया, फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलना शुरू हुई। इसकी गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इस बीच पानी में पौधों की निर्मिति होने लगी थी। बाहर ज्वालामुखी निकलने की वजह से पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा था और इसकी वजह से पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन की शुरुआत हुई। ऐसा ही लाखों सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे समुद्री जीव विकसित होने लगे। इस वक्त तक कई सारे समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए, पर जो बच गए वो पृथ्वी के बदलते वातावरण से ढलते गए। और अब लाखों साल बाद समुद्री जीव पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले पहली बार धरती पर मॉसेज नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले यह वक्त था कि समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे डायनासोर का अंत और मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।